सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको सर्वनाम और उसके भेद बता रही हूँ। यह है सर्वनाम का भाग एक। सर्वनाम क्या है? जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, वह आदि। जैसे गीता स्कूल जाती है, तो यहाँ पर दूसरे वाक्य में गीता की जगह वह लगा दिया, वह पढ़ाई करती है। अगर हम कहें गीता स्कूल जाती है, गीता भोजन खाती है, गीता पढ़ती है, तो गीता गीता अगर बार बार बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो संज्ञा के स्थान पर फिर हम सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। गीता स्कूल जाती है, वह पढ़ाई करती है। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे मैं, तू, तुम, वह, यह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, बोलने या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, जैसे राम ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम, जिससे बात की जाए या जिसे संबोधित किया जाए उसके नाम के बदले प्रयुक्त सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप, मोहन, तुम आजकल क्या कर रहे हो। तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम, जिसके बारे में हम बात करते हैं या लिखते हैं उसके नाम के बदले प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह है ये, वह, वे आदि। यह पुस्तक मेरी है। आशा है आपको ये सर्वनाम का भाग एक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।